रेलवे लोहामार्ग पुलिस की टीम ने एक ऐसे चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर उसके एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो कि नागपुर रेलवे स्टेशन के आउटर भागों में ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल फोन, जो कि स्टेशन आने से पहले ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रहे होते थे, उन्हें लकड़ी के डंडे से हाथ पर मारकर नीचे गिरा देती थी, बाद में मोबाइल उठाकर भाग जाती थी। इस मामले में एक आरोपी पुलिस के हाथ लगा है, जिसके पास से 12 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अब पुलिस इस मामले में उसके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। आरोपी 22 वर्षीय नसीब अजाबराव वागमारी मुहखेड़ी तहसील मोहदा निवासी था। लोहमार्ग पुलिस को पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रेलवे स्टेशन के आउटर भागों में कई ऐसे चोर सक्रिय है, जो कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल फोन को लकड़ी के डंडे से मारकर पहले नीचे गिरा देते हैं और बाद में उन्हें उठाकर भाग जाते हैं, जिसके कारण ही लोहामार्ग पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन के आउटर भागों में अपनी गश्त बढ़ा दी थी। लोहामार्ग पुलिस को एक फिरियादी ने शिकायत दी थी कि उसके मोबाइल फोन को अज्ञात आरोपियों ने इसी पद्धति से चुरा लिया है, और तब उसने अज्ञात आरोपियों का हुलिया भी पुलिस को बताया था। आमच्याकडे नागपूर रेलवे पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल आहे 167/2021। त्याच्यामध्ये एक मोबाईल चोरी गेलेला होता। त्याचा तपास करत असताना डीबीच्या पथकाला एक गुप्त माहिती मिळाली होती की मौदा येथे राहणारा एक आरोपी आहे, त्याने तो मोबाईल चोरला असण्याची शक्यता आहे। त्यामुळं त्याची माहिती घेऊन डीबी पथकाने त्याला पहिल्यांदा ताब्यात घेतलं तेव्हा त्याच्याकडे 4 मोबाईल मिळून आले, ज्याच्यामधील 3 गुन्हे आमच्या पोलीस स्टेशनला दाखल आहेत ऑलरेडी। तर हे 80,000 मोबाईल मिळाल्यानंतर आपण कोर्टाकडनं पोलीस कोठडी घेतली। एक दिवसाची पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर त्याच्याकडनं जेव्हा पण सखोल चौकशी केली, त्याच्यामध्ये त्यांनी आणखी 8 मोबाईल, असे एकूण 12 मोबाईल, 197,000 12 मोबाईल आपण जप्त केलेले आहेत। त्याच्या अजून 3 ते 4 साथीदार असण्याची शक्यता आहे, आणि त्याची मोडस अशी आहे की आउटरला जेव्हा ट्रेन स्लो होते त्यावेळेला तिथे एकतर काठी मारून मोबाईल पाडणे किंवा मग चार्जिंगला लावलेले मोबाईल खिडकीतनं उचलणे आणि परत जाऊन ते वेगवेगळ्या भागामध्ये ते अगदी कमी किमतीमध्ये विकणे ही त्याची पद्धत आहे चोरी करण्याची। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।